हेलो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया है प्लेइंग 11 में सबसे बड़े बदलाव, क्योंकि जब विराट कोहली आएंगे तो प्लेइंग 11 ऐसे भी तो चेंज होना ही है। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर, मुकेश कुमार और शिखर भारत को टीम से बाहर निकाल दिया है और उनके जगह पर भारत के तीन धुरंधरों खिलाड़ियों को टीम में जगह दे दिया है। तो आखिर वो कौन से तीन प्लेयर है जिन्हें टीम इंडिया में रोहित शर्मा ने जगह दिया है? और रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में इसलिए बदलाव किए हैं क्योंकि रोहित शर्मा चाहते हैं कि अगला मुकाबला भी हम जीते और इंग्लैंड टीम से हम आगे हो जाए, इसीलिए रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही प्लेइंग 11 बताऊंगा जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 बनाया है और इंग्लैंड टीम को किसी भी कीमत पर अगला मुकाबले में हराने के लिए रोहित शर्मा ने सोचा है, तो इसीलिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि वीडियो का पूरा आप लोग लुत्फ़ उठा सके। तो दोस्तों, रोहित शर्मा जो प्लेइंग 11 बनाया है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनके प्लेइंग 11 में किस ओपनर बल्लेबाजों को जगह दिया है और किन बल्लेबाजों को मिडिल ऑर्डर में रखा है और किन गेंदबाजों को मीडियम पेसर के तौर पर रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को वो प्लेइंग में बता देता हूँ। तो ओपनिंग के तौर पर आप लोगों को फिर एक बार वही पिछले मैच की जोड़ी रोहित शर्मा और उनके साथ यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और वैसे तो पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने दोहरे शतक मारकर इतिहासी रच दिया था, क्योंकि इतने कम उम्र में यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाकर इतिहासी बना दिया। हालांकि रोहित शर्मा का दो मुकाबले में उनका बल्ला कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन रोहित शर्मा भी अगले मुकाबले में राजकोट में बदला लेने वाले हैं और अपने बल्ले से इंग्लैंड टीम को अपना जलवा दिखाने के पूरे पूरे कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पे शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शुभमन गिल पिछले मुकाबले के दूसरे इनिंग में शानदार सेंचुरी जड़ा था, जहां पर सारे भारतीय बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के नाकाम नजर आए तो वही अकेले डट कर शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी जड़ा था, इसीलिए उनका अगला मुकाबले में जगह पक्की हो चुकी है। और चौथे नंबर पर वापसी हो चुकी है किंग विराट कोहली, क्योंकि जब टीम में विराट कोहली आ जाए और टेस्ट क्रिकेट में उनका प्लेइंग 11 जगह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और टेस्ट क्रिकेट का तो विराट कोहली बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है और ख़ासकर विराट कोहली इंग्लैंड वालों के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग करते हैं और उनके गेंदबाजों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और पाँचवें नंबर पर आप लोगों को रजत पाटीदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया है। और छठवें नंबर पे केएल राहुल की टीम में वापसी हो चुकी है, क्योंकि केएल राहुल चोटिल हो गए थे लेकिन अब फिट है, तो अगले मुकाबले में केएल राहुल होंगे। और सातवें नंबर पे अक्षर पटेल और आठवें नंबर पे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि टीम इंडिया के धाकड़ बॉलर जसप्रीत बुमराह ही है जो इंग्लैंड टीम को आसानी से गुमराह कर देते हैं। और पिछले मुकाबले में आप लोग ने देखा कि कैसे सपाट विकेट पे जसप्रीत बुमराह ने अपने बॉलिंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परास्त कर दिया था। और नौवें नंबर पे रविशंद्र अश्विन आप लोगों को गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और दसवें नंबर पे कुलदीप यादव और ग्यारहवें नंबर पे एक बार फिर मोहम्मद सिराज का वापसी हो चुका है। तो दोस्तों, यह है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 जो अगले मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए दिखाई देगी। तो दोस्तों, तब तक ले चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जो साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।